आज पूरे देश में भारत बंद के आह्वान के तहत एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सपा बसपा के साथ ही अन्य दल के लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के द्वारा जंगीपुर और सदर विधायक की अगुवाई में जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया। इस दौरान जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एससी एसटी और अन्य वर्ग के आरक्षण में लगातार घोटाला किया जा रहा है। वहीं सदर विधायक जयकिशन साहू ने कहा कि हमें आरक्षण में आरक्षण मंजूर नहीं, यदि देना है तो पहले जातिगत जनगणना करा लीजिए, फिर आरक्षण की बात कीजिए। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भाजपा सरकार में घोटाला हुआ, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नौकरी से वंचित छात्रों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। अब इंतजार करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस पर अपना निर्णय कब देती है। सुप्रीम कोर्ट की बातों का सम्मान है, लेकिन जो जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और देश के अंदर आई है सरकार, तब से दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सबके आरक्षण का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर, धन के आधार पर लोग जाति का वर्गीकरण करने का काम कर रही है। और जाति के अंदर जाति का जो आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी यह कहना चाहती है कि आरक्षण में आरक्षण मुझे मंजूर नहीं है। यदि आरक्षण करना है तो आप पहले जातीय गणना करवा लीजिए, तब आरक्षण दीजिए, न्याय उचित मामला तभी बनाओ। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के खास तौर लोग कहते थे कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है। हम लोग तो कहते आ रहे हैं, सदन में भी हमने कहा है, सदन में आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है, और उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्र वंचित रह गए थे, उन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुन करके न्याय उचित निर्णय दिया है। अब भारत बंद का आह्वान बहुजन समाज पार्टी के आह्वान पे किया गया था, जिसको लेकर आज पहली बार कई सालों के बाद बसपा के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। इस दौरान बसपा, भीम आर्मी के साथ ही कई अन्य दलित समाज के संगठनों ने जमकर इसमें हिस्सेदारी लिया। आज बसपा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। वहीं आज के भारत बंद के आह्वान पर कासमाबाद इलाके का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला दिख रहा है। शॉपिंग मॉल को बंद कराने गए लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ किया। शॉपिंग मॉल के शीशे भी तोड़े गए और शटर पर लाठी डंडे भी चलाए गए। बहुजन समाज पार्टी शुरू से मिशनरी पार्टी रही है, और ये बहन जी का आगाज था। जो लोग उनके पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने पहला मैसेज जो दिया है शासन प्रशासन को, ये वर्गीकरण का जो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उन्होंने चेतावनी दिया है, पहली बार चेतावनी दिया है कि ये मेरा शांतिपूर्ण रवैया से मेरा आंदोलन है, अगर इस आंदोलन से अगर नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। गाजीपुर में जो मानिया बहन जी का दिशा निर्देश था 21 तारीख को, जो पूरे देश लेवल पर देश बंद करने का आह्वान था, इस पर मानिया बहन जी की कहनाम था कि जो भी उच्च न्यायालय द्वारा फैसला आया है एससी एसटी के लिए, वो उनके हित की बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो सरकारें चल रही है, सरकार को इस पर विचार करते हुए 341 और 342 आर्टिकल नवीं सूची में डालकर उसे तुरंत संशोधन करके और उसे तत्काल बहाल किया जाए। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो मैं ये तो अभी चेतावनी दे रही हूँ, इसके बाद आने वाले भविष्य में, आने वाले दिन में मैं रोड पर उतर कर, और जब तक ये बहाल नहीं होता तब तक के लिए मैं इन गरीबों, दलितों, पिछड़ों, उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर उतर कर और सबका सहयोग और सबका साथ और सबका विकास का बात मैं करूँगी। और कहीं ना कहीं वो जो सरकार ऐसे मनमानी कर रही है, आज SC ST के साथ हुआ है, कल OBC के साथ भी होगा। ऐसे में बागड़े जी, देखा जाए कि जिस तरह से आज बसपा की भीड़ सड़कों पर थी, क्या लगता है कि जो भीड़ थी वो कितने बहुत सालों के बाद देखने को पड़ मिली है, और जो लोग कह रहे हैं कि ये जो एक तरह से 2027 की भी तैयारी, 2027 में मानिया बहन जी सरकार बनाएगी, और सरकार जो अभी सरकार की जो रवैया है इसको देखते हुए जनता इतना पीड़ित है
कि 2027 में मानिया बहन जी को पुनः इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता तत्पर हो चुकी है। कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाह रही है और आज जो आपने जैन सैलाब देखा कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि मानिया बहन जी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के इन गरीबों दलितों की विकास के लिए मानिया बहन जी एक बहुत बड़ा काम करेगी और इन गरीबों दलितों का विकास होगा और उनका आने वाला पीढ़ी का भी विकास होगा।